हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। जा रहा हूँ आसमान का पूरा मजा लेने, तो घर की छत की सीढ़ी है जो उसमें जा रहा हूँ चढ़ने, तो चलिए चढ़ते हैं। फिर एक हाथ से चढ़ूंगा, एक हाथ से ब्लॉगिंग करूंगा, तो देखते हैं चढ़ पाते हैं नहीं। डर तो लग रहा है, एक हाथ से चढ़ रहा हूँ, वैसे चढ़ ले रहा हूँ। तो अभी तो ये जल्दी बनवाया था, क्योंकि ये रूम बनवाया था, चक्कर में मैंने जैसे दीवार बनवा दी, क्योंकि उधर जाना पड़ता था, जैसे नाली वाली के पानी से ओवरलोडिंग टंकी हो जाती तो पानी निकलता था, तो वहाँ कचरा जम जाता था उस साइड, तो चक्कर उसको साफ करने के लिए उधर जाना पड़ता था, बाई चांस पैर चल के उस साइड ना गिर जाऊँ, इसलिए मैंने वहाँ पे हम लोग ने पापा ने दीवार बनवा दी है, तो वहाँ ना गिर सके। अगर यहाँ हम लोग यहाँ से अगर नीचे गिरते हैं तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, अगर वहाँ से ज़्यादा एक फ्लोर दो फ्लोर नीचे है तो डर लग सकता है ना आपको। पहले मेरा जो यह था छत वाला केबल हमारा यहाँ तक था केवल, ये और ये बाद में बना है साइड, तो ये और बन गया तो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आराम से जा के यहाँ पे बैठ सकते हैं, और आराम से खेलना चाहे जैसे मौसम अच्छा तो खेलना चाहे तो खेल भी सकते हैं यहाँ बैठ के, तो फुल मूड फुल एंजॉयमेंट आती है। क्योंकि हम अभी यहाँ पे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए थे और रिलेटिव्स आए थे, हम यहाँ पे बैठ के खेले थे, तो पूरा मजा आई थी यहाँ पे खेलने में। तो आप अगर आपके पास भी ऐसी छत है ऐसे आप यहाँ पे खेल सकते हैं, तो आप जरूर खेलिए हमारे साथ। कमेंट करके जो बताएगा कहाँ पे आपने छत पे कौन सा गेम खेला और कितनी मजा आई। तो आपको पूरा मौसम दिखाता हूँ, देख सकते हैं बादल काफ़ी थे, समय ढेर सारे थे और यहाँ पे कम हो चुके हैं, होते जा रहे हैं, और यहाँ काफ़ी से ढेर सारे बादल होते जा रहे हैं, और वहाँ से पीछे से बादल आते जा रहे हैं, और वहाँ पे देखिएगा काफ़ी बादल कम हो गए हैं और वहाँ से चले आ रहे हैं, और इधर तो काफ़ी कम ही हो चुके हैं बादल, और वहाँ से चले आ रहे हैं, और ऊपर भी देख सकते हैं कितने काले बादल हैं। तो कुछ जगह कम है बादल, साफ दिख रहा है, कुछ जगह काले काले बादल, इधर देख लीजिए भयंकर काले बादल। ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि एलजी को जब बादल आते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ घर है, तो वहाँ पे कम से कम बारिश होती है, ज़्यादातर बारिश हो नहीं पाती है, और होती भी नहीं, हल्की बारिश होकर फुहार होकर चली जाती है एकदम। तो एक बार बारिश हुई थी, मैं नाली वाली पूरी पूरी नाली भर गई, रोड पूरा भर गया, घुटने तक का पानी आ गया था, तो उसकी भी वीडियो आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी। पानी के पूरा दिखा रहा हूँ, और पूरा पानी भर जाने के बाद भी, और मुझे रात की ट्रेन थी, मुझे रात वो खुली बन के यहाँ पे बैग रख के मुझे जाना पड़ा था, तो वो भी ऐसा ही मौसम था, और उसके बाद दोपहर में साफ हो गया था, पूरा साफ होने के बाद भी शाम तक पानी बरसा, फिर खुली बन के मैं गया था लखनऊ स्टेशन पे चारबाग, फिर वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ी, फिर वहाँ से दिल्ली गया। तो दिल्ली वाला अगर ब्लॉग नहीं देखा है, दिल्ली से जाया गया और उसका पार्ट फर्स्ट भी बनाया है, वो दिल्ली से लखनऊ रिटर्न वाला भी मैंने ब्लॉग बनाया है, तीन ब्लॉग है, प्लीज़ जाके आप देखिएगा, और आपको भी अच्छी लगेगा। अगर वीडियो वाली पसंद आई तो लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कौन सा पार्ट उस वीडियो में आपको अच्छा लगा है। जो मैंने आपके लिए सरप्राइज जो प्लान किया है, जो ब्लॉग आने वाले हैं, जो उसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड जो आएंगे, तो आपको अगले महीने देखने को मिलेगा, और जब तक अब इस समय अब तक वेटिंग कर लिए हैं, तो और थोड़ा सा एक महीना वेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले महीने में, एक महीने बाद जो आपको बढ़िया वाला ब्लॉग मिलेंगे, जो सरप्राइज़ है वो वाला ब्लॉग मिलेगा आपको, पूरा मज़ा आएगी। और उसका अगर जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगी, और आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, जैसे मैं कोई नया फूड खाया या जैसे पाव भाजी और मैंगो लस्सी का डाला, तो ऐसे तो मैं डालता रहता हूँ पूरी, या कोई ब्लॉग मेरा आने वाला है उससे पहले मैं उसका थोड़ा सा फोटो डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आपको पहले पता चल जाएगा मेरा कौन सा आने वाला है, या मैं उसी दिन ही डाल सकता हूँ,
तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं अभी कपड़े डाला था तो सुबह टाइम 9 बजे कपड़े डाल दिया, तो उसके बाद तो मैंने सोचा बारिश होगी नहीं होगी, बादल भी नहीं लग रहे थे इतने, क्योंकि धूप भी कम निकली थी उस टाइम, तो हल्की हल्की धूप थी, मैं तो कपड़े तब तक सूख जाएंगे तो बादल आएंगे। और तब तक मैं 11:30 ऊपर छत पे आया तो बारिश होने लगी। अभी फील कर सकते हैं इस पर, हाथ पे बूंदे गिर रही, बारिश का फील हो सकता है। और चलो अचानक सही टाइम पर मैं आ गया और मेरे कपड़े बच गए, गीले होने से सूख भी गए थे तो गीले से बच गए और आराम से उसको हाथ उख के रख देंगे। चलो सही टाइम पर आ गया, अगर उधर भी आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप भी सही टाइम पर अपने कपड़े उठा के रखें। अभी मैंने टाटा क्यू का मैं ब्लॉग शूट कर रहा था और दिन में गड़गड़ा की आवाज़ आई, बादल आ रहे हैं एकदम, 5 बजे तक काले बादल नजर आ रहे थे, तो उस चक्कर में बाहर देखने आ गया क्या कर रहा है, तेज आवाज़ आ रही है, तो बाहर जाकर देखा 5 बजे इतनी जल्दी रात नहीं होती, क्योंकि सुबह धूप निकली रहती है, खासी धूप निकली रहती है, और इस टाइम इतनी तेज बादल, काले बादल और तगड़ी आ रही थी, हाँ टाइम हवा चलती ना वैसी हवा चल रही है और पूरा मौसम बढ़िया बना हुआ है, तो आपको मौसम का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। टाटा क्यू का ब्लॉग से बना के फिर आया हूँ, आपको मौसम का नज़ारा दिखाता हूँ। तगड़ी हवा चल रही है साइम, क्योंकि मौसम अचानक से बदला है और अचानक से ये हवा स्टार्ट हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश लगता है बारिश होगी, वैसे उस टाइम काफ़ी तेज़ बादल थे अभी उस टाइम, और काफ़ी बादल हट चुके हैं वहाँ से और हल्की हल्की बारिश का बूंदें स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ से मौसम खुल के फिर हमारे ऊपर आने लगे हैं बादल। अब बादल वहाँ से बादल अब यहाँ आ गए हैं, तो आप ये कहेंगे इस ब्लॉग में केवल मौसम की ही पूरी आप जानकारी दे रहे हैं, और साथ में ऊपर से हेलीप्लेन भी जाता हुआ, कुछ बादल इधर है ज़्यादा और कुछ बादल इधर है ज़्यादा। इस टाइम मौसम एकदम खुल चुका है और काफ़ी अच्छे बादल थे, और काफ़ी अच्छे बादल जो सामने थे वो सामने से पीछे और पीछे साइड चले गए, वो कि हवा चले गए, इधर सुबह बरसा, फिर दोपहर में बरसा, फिर शाम में अभी थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी करके फिर चला गया, तो अब मुझे लग रहा था अच्छी खासी बारिश हो जाएगी और मौसम भी अच्छा हो जाएगा, और बरसा भी नहीं, बस ठंडी ठंडी हवा दे रहा है और पूरा कुछ नहीं, बस बरस जाए की तरह और रात में भी बरस जाए, मौसम मज़ा आ जाएगी। और लो स्टार्ट, मैंने बारिश का नाम लिया और बारिश होना स्टार्ट हो गई है तेज, तो पूरा मैं बारिश का मज़ा लेता हूँ। फिर मैं मैगी जा रहा हूँ, मैं बारिश का मज़ा साथ में मैगी बनाने जा रहा हूँ। तैयार हो चुकी है और इधर पापा के लिए लइया थोड़ा गर्म करना है, इंडक्शन चल रहा है तो इधर ये नहीं ओवन नहीं खोल पाऊंगा, और जब तक इंडक्शन नहीं बंद करना तो ओवन भी नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक साथ चलाएंगे तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा और बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, इस चक्कर में हम नहीं चला रहा हूं। और अभी मैगी थोड़ा सा पानी कम हो जाए थोड़ा उबाल रहा हूं, और मैं बटर भी डाल दिया है तो और खाने में अच्छा लगेगा, और पापा लइया नमकीन खाएंगे क्योंकि मैगी खाते नहीं है पापा मम्मी, तो उसके से भी बोला हमें खा लो जबरदस्ती बोला, तब भी उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करूँ, उन्होंने मना कर दिया तो क्या बोला जाए। तो उसमें मैगी मैंने टमाटर में ज़्यादा वेज नहीं डालता मैगी में, क्योंकि मुझे वेज ज़्यादा मैगी में नहीं पसंद है, वैसे मुझे वेज करेला छोड़ के कोई भी सब्जी चला तो मैं खा लूँगा, पर बट मैगी में तो मैं कोई सब्जी नहीं डालूँगा, केवल टमाटर या फ्राई किया या प्याज से जैसे कायम फ्राई करके प्याज टमाटर डाल के वो खा लूँगा बस, टमाटर के अलावा और कोई वेज नहीं डालूंगा, बाकी मुझे कह रहे कुछ भी खा लूँगा मैं, कुछ भी खा लूँगा, राइट यूट्यूबर फैमिली मैगी मुझे आप कहीं भी मिल जाता है तो मैगी, मेरी मैगी तैयार हो चुकी है और उसका मैं आप कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, और मैं स्मेल आपको बता नहीं सकता कितनी बढ़िया स्मेल आ रही है, मुझे फिर से लेने का मन कर रहा है, स्मेल फिर से ले लूँ मैं, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है और इन खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा, क्योंकि स्मेल से बहुत ज़्यादा खाने में बढ़िया टेस्टी बना होगा, तो आपके भी मुंह में पक्का पानी आ रहा होगा, आप भी कहेंगे स्क्रीन से मोबाइल से निकल के आके मैगी खाएं, तो ऐसा पॉसिबल होता तो मैं आपके लिए मोबाइल से ही मैगी आपको भेज देता, जैसे आप भी ट्राई कर लेते हैं, मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने 2 पीस मैगी का लिया है और उसके बाद 1 टमाटर और थोड़ा सा बटर डाला है और मैगी मसाला और नॉन मैगी का मसाला मिलता है वो डाल के मिक्स करके बना दिया है, बात
5 मिनट से मेरी मैगी तैयार हो चुकी है। तो आपके मैगी का मैं मजा लेता हूँ, फिर मैं आपको